अजीत कुमार डोवाल। दोस्तों, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत कुमार डोवाल जी। अजीत कुमार डोवाल एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। यूं तो कई ऐसे IPS अधिकारी हैं जो अपनी पूरी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, पर अजीत जी का नाम आज भी भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अग्रणीय है। इसका कारण है इनका प्रधानमंत्री जी का प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होना। इन्होंने अपने करियर में कई बार भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अग्रणी भूमिका निभाई है। पूर्व में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और अभी हाल ही में हुई पाक आतंकियों पर भारतीय वायुसेना की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। अजीत जी का जन्म साल 1945 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जगह पर एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। इन्होंने इनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की और फिर इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA कर ली, स्नातकोत्तर की उपाधि ली और फिर IPS की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत जी 1968 में IPS के लिए सेलेक्ट हो गए। इन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से इनकी करियर की शुरुआत हुई। अजीत कुमार डोवाल जी के पारिवारिक सदस्यों की जानकारी। इनके पिता का नाम गुणनाथ डोवाल है, अजीत जी की पत्नी का नाम अन्नू डोवाल है और उनके एक बेटे का नाम शौर्य डोवाल है। अजीत डोवाल जी ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली थी। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1999 में कंधार में IC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी ने उन तीन अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत जी को 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग मामलों में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिता चुके हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था। अजीत डोवाल जी ने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदल कर गुजारा। इस दौरान इन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की। अजीत जी साल 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम से बनी रिपोर्ट के संपादन में योगदान दिया और वे BJP के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 में अजीत जी के करियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। साल 2014 में ही अजीत जी ने 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवारों ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए वे स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत जी ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल अभियान साबित हुआ था। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की भूमिका को अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। साल 2018 में इन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई में भी अजीत जी की भूमिका को अहम बताया गया है और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के लिए भी हिंदुस्तान की सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी भी इन्होंने सेना प्रमुखों के साथ मिलकर
पूरी तरह से कमान संभाली हुई है। अजीत जी अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद यह मेडल दे दिया गया था। इसके बाद अजीत जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। साल 1988 में अजीत जी ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र को भी प्राप्त किया है। दोस्तों, आज 73 वर्ष की उम्र में भी अजीत जी उन लोगों में से एक हैं जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत जी के बेहतरीन प्रयासों और जज्बे को हमारा बहुत बहुत सलाम है।